दूसरे वनडे में भारत ने श्रीलंका को हराया, कोलकाता में ही सीरीज पर कब्जा जमाया। इन पांच खिलाड़ियों ने भरी हुंकार, लगा दिया टीम इंडिया का बेड़ा पार। भारत और श्रीलंका के बीच कोलकाता में वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया। इस मैच को जीतते ही टीम इंडिया ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाते हुए सीरीज भी अपने नाम कर ली। कोलकाता वनडे मैच में श्रीलंका की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 215 रन बनाए और ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया को इस मैच और सीरीज को जीतने के लिए 216 रनों का लक्ष्य मिला, लेकिन इस मुकाबले में टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर बुरी तरह से फ्लॉप रहा। ना तो रोहित शर्मा बड़ी पारी खेल पाए और ना ही शुभमन गिल। विराट कोहली तो सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। ऐसे में टीम इंडिया मुश्किलों में फंस गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी टीम इंडिया ने ना सिर्फ इस मैच को जीता बल्कि कोलकाता में ही सीरीज अपने नाम कर ली। चलिए आपको बताते हैं कि इस मुकाबले में कौन कौन रहे टीम इंडिया की जीत के हीरो। कुलदीप यादव ने किया कमाल। कोलकाता में खेले गए दूसरे वनडे मैच में युजवेंद्र चहल की जगह प्लेइंग 11 में कुलदीप यादव को मौका मिला और कुलदीप यादव ने श्रीलंकाई बल्लेबाजों को अपनी फिरकी के फंदे में ऐसा फंसाया कि पूरी की पूरी टीम सिर्फ और सिर्फ 215 रनों पर ऑल आउट हो गई। कुलदीप यादव की स्पिन गेंदबाजी के सामने श्रीलंका का मिडिल ऑर्डर पानी मांगता नजर आया। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि कुलदीप यादव की गेंदों को खेला जाए तो आखिर कैसे खेला जाए। इस मुकाबले में कुलदीप यादव ने 10 ओवर में 3 विकेट चटकाए और श्रीलंकाई मिडिल ऑर्डर की कमर तोड़ दी। सिराज ने भी मचाया धमाल। मोहम्मद सिराज टीम इंडिया के सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक हो गए हैं। कोलकाता वनडे मैच में भी मोहम्मद सिराज ने अपनी गेंदबाजी का जलवा दिखाया। सबसे पहले श्रीलंका की टीम को पहला झटका मोहम्मद सिराज ने ही दिया। मोहम्मद सिराज ने विकेट चटकाने की शुरुआत की तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाया कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की जोड़ी ने, लेकिन मोहम्मद सिराज ने भी दूसरे वनडे मैच में 3 विकेट चटकाए और श्रीलंका की टीम को सिर्फ और सिर्फ 215 रनों पर समेटने में अहम किरदार निभाया। राहुल ने लगा दी श्रीलंका की वाट। दरअसल इस मुकाबले में जब टीम इंडिया 216 रनों का पीछा करने के लिए उतरी थी तो टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप रहा था। ना तो रोहित शर्मा बड़ी पारी खेल पाए, ना ही शुभमन गिल, और विराट कोहली तो सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। ऐसे में टीम इंडिया मुश्किलों में थी, लेकिन केएल राहुल और श्रेयस अय्यर ने एक छोटी लेकिन असरदार साझेदारी की। फिर श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए, लेकिन इसके बाद केएल राहुल और हार्दिक पांड्या के बीच में 75 रनों की साझेदारी हुई और इस साझेदारी ने टीम इंडिया पर से प्रेशर पूरी तरह से हटा दिया। केएल राहुल इस मैच में अंत तक आउट नहीं हुए और उन्होंने 103 गेंदों में 64 रनों की पारी खेली और श्रीलंका की कमर तोड़ दी। अपनी इस पारी में केएल राहुल ने 6 चौके भी लगाए, लेकिन सबसे खास बात यह रही कि वो अंत तक आउट नहीं हुए और उन्होंने टीम इंडिया की जीत में अहम किरदार निभाया और भारतीय टीम को मैच के साथ साथ सीरीज का हकदार बनाया। हार्दिक पांड्या ने भी खेली शानदार पारी। केएल राहुल जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो टीम इंडिया को जरूरत थी एक साझेदारी की और उस साझेदारी में अहम किरदार निभाया हार्दिक पांड्या ने। हार्दिक पांड्या ने इस मैच में 53 गेंदों में 36 रनों की पारी खेली और 4 चौके भी लगाए, लेकिन खास बात यह रही कि हार्दिक पांड्या और केएल राहुल के बीच 75 रनों की साझेदारी हुई और इस साझेदारी ने श्रीलंका की वाट लगा दी और भारतीय टीम पर से प्रेशर पूरी तरह से हटा दिया। इसीलिए हार्दिक की यह दमदार पारी भी टीम इंडिया की जीत में अहम किरदार निभा गई। अक्षर पटेल ने दिखाया दम। दरअसल अक्षर पटेल ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से ही श्रीलंकाई टीम को काफी परेशान किया। अक्षर पटेल ने पहले गेंदबाजी में श्रीलंकाई टीम को बड़ा झटका दिया। उन्होंने धनंजय डिसिल्वा को बिना खाता खोले ही पवेलियन की राह दिखा दी। अक्षर पटेल ने धनंजय डिसिल्वा को बोल्ड कर दिया। इसके बाद जब बारी बल्लेबाजी की आई तो हार्दिक पांड्या जब आउट होकर गए तो टीम इंडिया को 50 रनों की जरूरत थी, लेकिन वहां पर अक्षर पटेल ने पूरा जोखिम उठाया। उन्होंने 21 गेंदों पर 21 रन बनाए और टीम इंडिया की जीत में अहम किरदार निभाया और उनकी इस छोटी लेकिन दमदार पारी की वजह से श्रीलंकाई टीम के हौसले पूरी तरह से टूट गए और अंत में कुलदीप यादव ने चौका लगाकर टीम इंडिया को जीत दिला दी और इस चौके के साथ ही भारतीय टीम ने कोलकाता में सीरीज अपने नाम कर ली। तो दोस्तों, ये थे वो टीम इंडिया की जीत के 5 हीरो जिन्होंने कोलकाता में भारतीय टीम को जीत दिलाई और भारतीय फैंस का दिल गार्डन गार्डन कर दिया। दोस्तों, टीम इंडिया इस वनडे सीरीज के पहले दोनों मैच जीत चुकी है। अब आपको क्या लगता है, संडे को तिरुवनंतपुरम में खेले जाने वाले तीसरे वनडे मैच को भी टीम इंडिया जीत पाएगी? क्या इस सीरीज में टीम इंडिया श्रीलंका का क्लीन स्वीप कर पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।